गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिरला देवी कॉलेज। टुडे वी डिस्कस अबाउट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बेस्ड प्रॉब्लम। तो आज हम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे कि ऐसे प्रॉब्लम जब हम आते हैं तो जब ऐसे प्रॉब्लम जब आते हैं एग्जाम में तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तो आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे, यह क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर का है। मैकेनिक्स एंड बे मोशन आपका पहला पेपर है जिसमें कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पे आधारित आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताए जा रहे हैं, बताए जाएंगे इसमें। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, लग जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए और ये प्रॉब्लम आप अच्छे से समझिए और इस पे बेस्ड जो भी आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे आप उसको बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है कि जैसे किसी बॉडी को फोर्स अप्लाई किया जाए कंप्लीट राउंड ट्रिप, उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज नहीं होती तो कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कंप्लीट राउंड ट्रिप अगर मकड़न आपका जीरो है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है, कंप्लीट राउंड ट्रिप अगर मकड़न जीरो नहीं है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है पोजीशन पे डिपेंड करता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है पाथ पे डिपेंड करता है। कहां स्क्रीन पे जो मैंने लिखा हुआ है इसको देख लीजिए कि इफ ए फोर्स यदि एक बल यहाँ पे आपको पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन करना है और यह दिखाना है यह क्या है, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो यह कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आपको दिखाना होगा तो सबसे पहले लिख लीजिए क्या दिया गया है। गिवन है, केवल एक बात दिया गया है, एक फोर्स दिया गया है, यह इज इक्वल टू 2xy + z2 i + x स्क्वायर j प्लस 2xz k दिया गया है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स होता है या जो बल दिया गया है क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। फॉर कंजर्वेटिव के लिए क्या होता है, डेल क्रॉस f इक्वल टू 0, इसका मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो क्या होता है, जीरो। इसका मतलब यहां पे आप जानते हैं f इक्वल टू होता है i f x + j f y + k f, ये होता है i f x j f y + k f, इतना होता है। अब डेल क्रॉस f हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, डेल क्रॉस f इक्वल टू ये हो गया i j k, क्या हो गया i j k। अब डेल के साथ हो जाए डेवापान dy x, डेवापान dy y, डेवापान dy z और f x का मान a है, f y का मान a है, f z का मान a है। तो f x का मान क्या रखिए, क्या है आपका 2xy + z2, f y का मान क्या है x2, f z का मान क्या है 2xz, ये मान दिया गया है आपका f x f y और f z का आपका मान दिया गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए तो यहां पे डेल क्रॉस f। अब फिर वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, जब i मिलेंगे एक और रो और एक कॉलम क्या हो जाएगा, यहां देख लीजिए i तो हो जाएगा
दिवाकर डीवाई टू एक्स जेड माइनस दिवाकर डीवाई जेड एक्स स्क्वायर कितना हो गया। उसके बाद क्या आएगा, माइनस माइनस जे, जब जे आएगा तो यहां से हो जाएगा डीवा अपन डीवाई एक्स टू एक्स जेड माइनस क्या रहेगा, माइनस यहां पर के कर दीजिए के, एक मिनट यहां देखिए कि यहां पर हो गया माइनस जे, जे अगर ये एक कॉलम एक रो कैंसिल हो जाता है तो इस टू एक्स जेड ये हो जाएगा माइनस डीवा अपन डीवा जेड टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद क्या है कि प्लस प्लस के, जब के लेंगे तो एक रो एक कॉलम एक रो एक कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये आप होगा डीवा अपन डीवा एक्स स्क्वायर माइनस डीवा अपन डीवा वाई टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां से देख लीजिए ये हो गया डेल क्रॉस एफ, क्या हो गया डेल क्रॉस एफ। अब यहां क्या है टू एक्स जेड, टू एक्स जेड है, वाई का कोई फंक्शन नहीं है, जब वाई का कोई फंक्शन नहीं है तो यह ऑलरेडी क्या हो जाएगा जीरो, जीरो या क्या हो गया जीरो माइनस यहां क्या एक्स स्क्वायर है ये जेड डिवा अपन डिवाइड, यहां पे जेड का कोई फंक्शन नहीं है, जब जेड का कोई फंक्शन नहीं है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा माइनस जीरो। अब देखिए यहां डिवा अपन डिवाइड टू एक्स जेड क्या है टू एक्स जेड। अब एक्स का डिफरेंशिएशन वन होगा एक बचा टू जेड, टू जेड माइनस। अब यहां पे डीवा अपन डीवा जेड ये टू एक्स वाई जेड का फंक्शन नहीं है इसलिए यह जीरो हो जाएगा, यहां से हो गया टू जेड। उसके बाद प्लस के, प्लस के अब यहां देखिए यहां पे आप हो जाए टू एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, यहां पे डेवा अपन डेवा वाई है, यहां पे जेड में वाई का फंक्शन नहीं है, यहां पे वाई का फंक्शन है माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स हो गया। यहां पे टू जेड से टू जेड कैसे, टू एक्स से टू एक्स कैसे, इसका मतलब हो गया डेल क्रॉस एफ इक्वल टू जीरो। अगर डेल क्रॉस एफ इक्वल टू जीरो है पढ़े होंगे जो कि आप बहुत ही अच्छा लगा होगा। यहां से इसके पहले हमने फार्मूला को डिराइव कराया, कंडीशन को डिराइव कराया, फिर हम आपको न्यूमेरिकल बता रहे हैं, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट आपको दिखाना है कि डिटरमाइन द पोटेंशियल पोटेंशियल फंक्शन, इसका पोटेंशियल फंक्शन हमको दिखाना है, इसका मतलब आप लिख लीजिए द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जिसका होता है यू इक्वल टू होता है माइनस एफ डी आर, क्या होता है माइनस एफ इंटू डी। तो यदि एफ जो है यही या हम उसको इस प्रकार से लिखते हैं माइनस इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स या फिर dx प्लस या पाई dy
प्लस एफ जेड डी जेड लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड। अब यहां पर जो है आपको वैल्यू दिया गया है एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, यहां पर एफ एक्स एफ वाई एफ जेड का मान दिया गया है कि जो कि आपको प्रॉब्लम में दिया गया था यहां पे लिख लीजिए तो यू इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए एफ एक्स का स्थान क्या है, टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, क्या हो गया डी एक्स प्लस एफ वाई के स्थान क्या है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एफ जेड के स्थान क्या है टू एक्स जेड डी जेड। इतना नोट किए देख लीजिए एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, जो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड का मान है उसको हमने एक स्थान रख दिया। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए माइनस इंटीग्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं टू एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस ये हो गया आपका जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स जेड डी एक्स, देख सकते हैं नहीं डी जेड या क्या है डी जेड। अब देखिए टू एक्स जेड डी जेड यहां से हो गया टू एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स जेड डी जेड, इतना हो गया। अब हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं माइनस, देखिए इसको लिख सकते हैं कि डी डी एक्स स्क्वायर वाई, क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई, डी मतलब डिफ्रेंसिएशन, डी मतलब डिफ्रेंसिएशन प्लस डी जेड स्क्वायर। आप देखिए इतना सही है नहीं है, आप समझिए अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको मिल जाता है कि यह इतना सही है अन्यथा गलत है। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ये क्या हो गया, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो y टू x dx प्लस x स्क्वायर dy, यहां पे क्या हो जाएगा इसको डिफरेंशिएशन करेंगे इतना मिलेगा, डिफरेंशिएशन करेंगे इतना मिलेगा। इसका मतलब कि जो यह फंक्शन फंक्शन u इसके स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए u इक्वल टू डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन यहां इसको इंटीग्रेशन माइनस ये है यहां पे d d ये हो गया आपका x स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर एक्स, क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर एक्स, इसी को हमने लिखा। अब आप जानते हैं पढ़े हैं हम भी बता रहे हैं इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है अर्थात इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो गया कैंसिल हो गया था बच्चा माइनस x स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर एक्स, इट इज द पोटेंशियल फंक्शन, इट इज द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ दिस फोर्स, मतलब जो आपको फोर्स दिया गया है यह वैल्यू आपको क्या है इसी फोर्स का पोटेंशियल फंक्शन है, इसका मतलब कि दिस फंक्शन इज द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ दिस फोर्स, इसको आप नोट कर ले। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, यह आपको बेटर से बेटर समझ में आया होगा, इसको आप नोट करें समझे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप छोटी कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, नोट करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि सो दैट दिखाइए कि यह फोर्स जो आपका यह फोर्स को दिया गया है यह हाल में क्या है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, असंरक्षी बल है। असंरक्षी बल के लिए कंडीशन क्या है कि असंरक्षी बल जो होता है उसका कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव जो फोर्स होता है वो जीरो नहीं, कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स जीरो नहीं है तो नॉन कंजर्वेटिव
ये आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में आते हैं। तो यहां पे देख लीजिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले गिवन दैट जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं f is equal to y square minus x square i plus 3xy j plus k के साथ क्या है आपने दिया पर 0 है। चलिए अब क्या है for non-conservative, for non-conservative, non-conservative force के लिए del cross f does not equal to 0। non-conservative force के लिए क्या condition है del cross f does not equal to 0 और अर्थात non-conservative force जो है अगर 0 नहीं आता है तो आपका non-conservative force है। तो सबसे पहले हम यहाँ del cross f ही निकाल लेते हैं, del cross f ही निकाल लेते हैं। जब del cross f हम निकालेंगे हो गया i j k, क्या हो गया i j k हो गया आपको गया डीवा पर डीवा यस डीवा पर डीवा वाई डीवा पर डीवा जे। यहां पे x का मान आपको i का मान दिया गया है इस कंडीशन में, तो अर्थात f यहां पे f x हो गया, f y हो गया, f z हो गया। तो f x के लिए यहां देख ले तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3 यस वाई, यहां क्या है 0, यहां क्या है 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे देख लें कि डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ इक्वल टू सबसे पहले आई अगर हम लेंगे एक रो एक कॉलम छूट जाएगा, तो आई लिए एक रो एक कॉलम, तो यह हो गया डेवा पर डेवा वाई 0 माइनस डेवा पर डेवा से 3xy, उसके पॉसिबल कैसे करेंगे नेगेटिव माइनस जे जे लिए एक रो एक कॉलम कैसे, तो आपको हो जाएगा डेवा पर डेवा एस 0 माइनस के डेवा पर के नहीं जे को लिए, तो आपका डेवा पर डेवा एक्स 0, उसके बाद डेवा पर डेवा वाई एक मिनट एक सॉरी 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 यहां देखें कि जब जे को हमने लिया एक लो एक काला हट जाएगा, तो डेवा पर डेवा एक्स 0 डेवा पर डेवा जेड y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर क्या चलेगा प्लस प्लस के के लिए क्या हो जाएगा ये आपको डीवा पर डीवा एक्स 3xy माइनस डीवा पर डीवा वाई y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लें तो डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा ए आने लिया आपका 0 हो गया, यहां पे जे का कोई फंक्शन नहीं है आपका 0 हो गया, आई 0 आई 0 हो गया माइनस जे, जे के लिए ए आपका 0 हो गया, यहां जे का कोई फंक्शन नहीं है 0 प्लस के लिए देखिए ये कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 3y माइनस 3y माइनस 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 प्लस 2y कितना हो गया, क्योंकि x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये माइनस है माइनस नहीं है माइनस हो गया माइनस, क्यों क्योंकि यहां लगे 2y हो गया। अब यहां पर देखते हैं क्या की बची, इसका मतलब मिला डेल क्रॉस एफ इक्वल टू वाई के, क्या मिला डेल क्रॉस एफ इक्वल टू वाई के। अगर यहां पे देखा जाए, अगर यहां पे देखा जाए इट इज डेल क्रॉस एफ डज नॉट इक्वल टू 0, या क्या है 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है कि कौन सा फोर्स हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। अगर यह 0 के बराबर हो जाता या कंजर्वेटिव फोर्स होता या 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हो गया नॉन
बार देख लें, इसको हम इरेज करते हैं, आप नोट करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लें कि नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका है कि सो दैट फोर्स यफ आई वाई जेड प्लस जे जेड एक्स प्लस के एक्स वाई इज ए कंजर्वेटिव। तो इसको हमको दिखाना है कि जो फोर्स दिया हुआ है दिखाना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको नोट कर लें, गिवन दैट क्या फोर्स दिया गया है, एफ इक्वल टू आई वाई जेड प्लस जे जेड एक्स प्लस के एक्स वाई। और आपको दिखाना क्या है, आपको दिखाना है डेल क्रॉस एफ इक्वल टू जीरो, किसके लिए,
ये आप प्रॉब्लम देख रहे हैं, यह प्रॉब्लम आप देख लीजिए, इसको आपको स्वयं सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम को आपको स्वयं से सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है कि कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। और पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक प्रॉब्लम हमने आपको समझा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ दिया गया है सो दैट दिखाइए कि फोर्स 2xy प्लस yz स्क्वायर i प्लस x स्क्वायर प्लस xz स्क्वायर j प्लस 2xyz k आएगा। यह आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। किसके लिए? अगर डेल क्रॉस F है,